أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تعالى في مقام آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सदे कराम सामीन गिरामी, आज हम जिस मुबारक और मुकद्दस महफिल और जगह पर मौजूद हैं, महफिल भी अल्लाह की तरफ मंसूब है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की इख्तितामी महफिल है, और जिस जगह मौजूद हैं ये घर भी अल्लाह का घर है, जगह की नस्बत भी अल्लाह की तरफ है, और हम अगर कुरान को अपने सीने में महफूज करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो इबादुल्लाह हमारी नस्बत भी अल्लाह की तरफ हो जाती है। और दुनिया में आने का मकसद ही वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, वही इबादुल्लाह बनाना है कि अल्लाह के बंदे बन जाओ। इसी मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया के अंदर महफूज फरमाया। तफसील का वक्त नहीं, आज हम सब इंतहाई खुशकिस्मत हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इराक़े के अंदर एक और हाफिज़ कुरान का तोहफ़ा अता फरमाया। ये हमारे घरानों नहीं पूरे इलाके के लिए एक फ़ख्र की बात है कि लाजमी बात है कि जिस इलाके से, जिस घराने से, जिस ख़ानदान से हाफिज़ कुरान निकलता है तो कम से कम अपने घराने के 10 अफराद की तो वैसे मफरत करवा लेता है, और जो जो वो बाहर चलता चला जाता है उसके दोस्त आवाम अजीज़ व अकारिब, फिर जहाँ जहाँ वो कदम रखता है ये वही हाफिज़ कुरान है कि जब ये घर से कुरान पढ़ने के लिए निकला था तो मेरे अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से इसके कदमों के नीचे पर बिछाए। ये जहां जहां चलता रहा ये वो आम जगह नहीं, इन जगहों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के हबीब के जरिए हमें बताया कि इन जगहों पर फरिश्ते पर बिछा रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो दीन के इल्म के लिए, कुरान के इल्म के लिए घर से निकलता है, घर से लेकर अपनी दरसगाह तक रास्ते में अल्लाह उसे वो प्रोटोकॉल अता फरमाते हैं, अल्लाह उसे वो मकाम हैसियत व अहमियत अता फरमाते हैं कि उसे कहते हैं कि तू इतना आला है कि बज़ाहिर तो तू इस ज़मीन पे चल के जा रहा है, बज़ाहिर तो इन कच्ची सड़कों पे और पगडंडियों पे चल के जा रहा है, लेकिन दर हकीकत तुझे इल्म नहीं, तेरे कदमों के नीचे वो रेशम से आला बाला और उमदा कालीनों से भी आला वो फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछा रही है। तो इसलिए पूरे इलाके के लिए ये हमारे लिए एहसास है, और मैं फिर खसूसन खानदान माँ तो माँ ही होती है, उसने तो अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान करना होता है, लेकिन अल्लाह तमाम माओं को ऐसा बनाए कि वो अपनी सुबह शाम अपनी औलाद की दीनी तालीम और तरबियत के लिए वक्फ करें, सुबह शाम उनका सोचना और उनकी कुर्बानी ये छोटी बात नहीं। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मैं कहीं भी अपने खानदान के अंदर किसी भी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में जाऊँ तो अपनी औलाद को साथ लेके जाऊँ, लेकिन हिफ्ज़ कुरान का शोबा बड़ा अजीब है, जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं वो छुपी नहीं कर सकते। कई मरतबा हमारी वो बेटी, वो भी मेरी शागिर्दा है, खुद आई छुट्टी लेने के लिए, मैंने कहा नहीं छुट्टी नहीं है, वो बच्चों के बगैर फंक्शनों में गई, ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है, जो उसकी बहनें उसकी कज़नें सारे अपने बच्चों के साथ और वो बगैर बच्चों के, ये भी एक बहुत बड़ी कि उसने कहा कि मैं कुरान के लिए कुर्बानी देती। फिर बहुत मुख्तसर, ये इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं, तकरीबन 2.5 साल का अर्सा बनता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए न गर्मी न सर्दी न धूप न बारिश, हर हाल में ये बच्चे पहुंचते हैं और इनको पहुंचाने का जरिया वो माँ बनती है।
माँ ने बहुत कुर्बानी दी। फिर मैं अगर तस्करा नाम को करूँ उनके नाना और उनकी नानी का, तो ये भी एक ज्यादती होगी कि नानी ने जितनी फिक्र की बार बार आकर कि इनको कुरान का हाफिज बनाना है, मैंने कहा जी दुआ आपने करनी है, कोशिश हमने करनी है। फिर नाना फिक्रमंद, फिर पूरा खानदान, ये वो वाहिद बच्चा है और ये बाकी ये दोनों बच्चे, कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर खुशी होती है कि पूरा खानदान जो है, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, हाजी साहब हैं, जब भी इनको पूछते हैं तो ये उनके वालिद के कैसे चल रहे हैं, जब भी किसी फंक्शन में जाते भाई परवेज हैं, जितने भी बड़े थे सब पूछते कि कैसे चल रहे हैं बच्चे। और नौजवानों ने भी कोशिश की और मेहनत की कि दोपहर के वक्त सख्त धूप के अंदर वो इनको ताज़ा खाना पहुँचा के जाते थे, हर एक ने पूरी कोशिश की। तो इसलिए इनका हाफिज बनना पूरे ख़ानदान के लिए एजाज़ है। ये एजाज़ इस एतबार से भी है कि आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम कुरान के हाफिज बनो, आलिम बनो। अगर हाफिज नहीं बन सकते अपनी औलाद को पढ़ाओ, अगर औलाद को पढ़ा नहीं सकते तो पढ़ने वालों के मुआविन बन जाओ, पढ़ने वालों के मुआविन बन जाओ। जो पढ़ने वाले हैं पढ़ाने वाले हैं उनके मुआविन हैं, इससे भी जन्नत मिलेगी। तो जो पढ़ने वालों के मुआविन बने वो भी काबिल तहसीन है, काबिल एजाज है, हमको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत एजाज से नवाजेंगे। इसलिए कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद ये किसी की काबिलियत पर उसको नहीं मिलती ये दौलत, ये सिर्फ और सिर्फ कबूलियत पे ये मिलता है। बड़े बड़े जहीन बच्चे, हमारी इसी क्लास के अंदर एक ऐसा बच्चा बैठा है कि आज से 2 साल पहले उसे हिफ्ज मुकम्मल कर लेना चाहिए था, कि जो सिर्फ 6 दिन के अंदर कुरान का एक पारा मुकम्मल करता था, लेकिन वो अभी तक इससे बहुत पीछे है, ये उससे पीछे आकर निकल गया, उससे और भी बच्चे निकल गए। मैं उस बच्चे को भी कहूंगा कि अल्लाह से मांगे, और इसमें कुछ चीजें होती हैं जो हमें कुरान से दूर ले जाती हैं। इसमें हमारे बच्चे भी बैठे हैं और मेरी आवाज को इन बच्चों की माँ भी सुन रही हैं, वालिदैन भी बैठे हैं, कि कुरान की दौलत, मैंने कहा ये काबिलियत से नहीं, ये कबूलियत से आती है, अल्लाह से मांगना पड़ता है, और छोटी सी गलती, छोटी सी बेहतियाती इंसान को दूर ले जाती है। अगर माँ बाप पढ़ाने के अंदर मुखलिस ना हो तब मसला बनता है। और अच्छी तरीके से अगर माँ बाप पूरा एहसास ना करें और माँ बाप उनका इंतजाम ना करें कि कोई भी काम हुआ तो स्कूल वालों को छुट्टी नहीं करवानी, मदरसे वालों को छुट्टी करवानी, कोई छोटे से छोटा काम होगा तो जो आप बात पढ़ने के लिए ना जब आते हैं रुक जाओ, जब ये होगा तो तब भी बच्चे लेट होते हैं। और लेट होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है बच्चों का कि बच्चा जितना जल्दी कुरान मुकम्मल करता है उससे उस बच्चे को फायदा होता है, वो जितना देर से कुरान मुकम्मल करता है वो तू जो वो कहता है कि फिर उसके जहन में याद शुरू हो जाता है, इतना अच्छा हो गया फलाम भी मेरे साथ पढ़ता था वो भी चला गया, फलाम भी पढ़ता था वो भी चला गया, फलाम पढ़ता था, खुद एक दूसरों को देखता है कि वो खत्म कर गया मैं यहाँ हूँ। ये उसके अंदर एक किस्म की जहनी तौर पर कोफ्ताना शुरू हो जाती है, वो परेशानी शुरू हो जाती है। जब ये परेशानी शुरू होती है तो फिर कहता है मैं तो अब पढ़ नहीं सकता, फिर वो 5 दफा 20-20 पारे पार के बच्चे छोड़ देते हैं। हमारे साथ एक बच्चा मेरे साथ वो आलिम बना, वो 29 पारे पढ़ के आया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह दौरे के बाद उसके साथ रहा, उसने वो पारा फिर दोबारा उस्तादों से पढ़ा और हाफिज कुरान। ये भी पोजिशन होती है, लेकिन होती क्या है, मैंने उसकी ताकी की, मेरा दोस्त था, मैंने पूरी तफसील पूछी तो उन्होंने एक बात की कि जी मैं जब 29 पारे में पहुंचा तो मैं अपने माँ बाप का लाडला था, मुझे उस्ताद कोई बात सख्त नहीं कहते थे और मेरे उस्ताद सख्त मिजाज थे। अब बिल्कुल जब आखिरी पारा था, 29 पारा था, एक पारा रह गया था, तो मैंने गलती ऐसी की कि जिसमें उस्ताद के लिए लाजमी था कि मुझे मारे, उस्ताद के पास मैंने गुंजाइश नहीं छोड़ी थी जब तक मुझे सजा ना मिले। उस्ताद ने अपने निजाम को बरकरार रखने के लिए, अपने सिस्टम को संभालने के लिए सजा दी। इस सजा पर मेरे वालिदैन ने, मेरे वालिद ने, मेरे चचाओं ने जाकर उस्ताद के साथ बदतमीजी की और मुझे उधर से उठाया और दूसरे मदरसे में ले गए। कहता है कि मैं दूसरे मदरसे में एक एक सतर याद करके सुनाने की कोशिश करता, जब उस्ताद के पास पहुंचता तो भूल जाता।
मैं उस्ताद के पास पहुंचता तो भूल जाता है। हमने बचपन में एक लफ्ज सुना था, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आमतौर पर ये गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कि जब अदब होगा तो नसीब होगा, बेअदबी होगी तो नसीब नहीं होता। तो जैसे कुरान की, अब जिस कुरान को हम पढ़ रहे हैं इसका कितना हम एहतराम करते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा तो करते ही, हमारा दीनदार तबका तो करता ही है, हमारा वो तबका जिसको हम दुनियादार कहते हैं वो हमसे ज्यादा इसका एहतराम करता है। कई मतलब हमारी क्लास में आते हैं, उधर से आते हैं और उसके बाद फिर जब वापस आने लगते हैं तो इधर मुंह करके सीधे पीछे जा रहे होते हैं। ये कुरान का एहतराम है उनकी नजरों के अंदर। और जब भी हम कुरान पढ़ते हैं, आप भी घरों में पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं, कभी किसी ने नीचे रख के कुरान पढ़ा नहीं, हमेशा कुरान को हमने ऊंचा रखा है, इसलिए कि अल्लाह ने इस कुरान को ऊंचा रखा हुआ है और जिस सीने में ये कुरान होता है अल्लाह उसको भी ऊंचा रखते हैं, और जिस जबान पे ये कुरान जारी हो जाता है अल्लाह उसको, और तमाम हुफाज पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जबानों पे कुरान को जारी फरमा दे कि वो हमेशा इसकी तिलावत करते रहें, उसकी भी सबरात हमने अपनी आंखों से देखे कि जो मुसलसल कुरान पढ़ने वाले हैं। मौलाना यूनुस साहब उसको जानते हैं, हमारे साथ एक बच्चा था मौलाना सफर साहब, वो बिल्कुल गरीब तरीन घराने का, कि उसके वाले उर्दू बाजार के अंदर रेडी लगाया करते थे फ्रूट की और सब्जियों की। वो बच्चा कुरान का हाफिज बना, हमारे साथ वो आलिम के क्लास के अंदर किताबें पढ़ी। उसकी एक चीज, वो पहले बिल्कुल गरीब था, घर से जब चलता था तो हर वक्त कुरान पढ़ता हुआ आता था, अल्लाह ने उसको कुरान भी बहुत बेहतरीन लहजों में अता किया था, उसकी वजह से वो बैठा हम गपे शपे लगाते, वो अलग बैठते कुरान पढ़ता रहता था। फिर हम दूसरे बड़े मदरसे में चले गए, वहां से तकरीबन 12 किलोमीटर का सफर बनता, वो साइकिल पे आता जाता, साइकिल पे आता और जाता, उसकी कोशिश होती रोजाना में 15 पारे पढ़ूं। बच्चा था तालिबे इल्म था, उसकी दाढ़ी भी नहीं थी, हम उससे बड़े, उसका सिला क्या मिला मुसलसल कुरान पढ़ने से कि हम अभी तक दरसे निजामी दौर हदीस तारीख के फारिग हुए थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन हज के लिए उसे अपने घर बुला लिया, कोई उसके पास समाया नहीं। और उसके फौरन बाद एक तिलावत का मुकाबला हुआ, उसके लिए दुबई गया और वहां उसको जो पहला इनाम मिला पाकिस्तान तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया बनता, यानी दुनियावी तबार से। और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी जगहों पर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे ऐसा काम लिया। मुसनद इमाम अहमद, ये किताब है हदीस की और तकरीबन 10 से ज्यादा जिल्दों पर, बड़ी बहुत बड़ी किताब है वो, सिर्फ और सिर्फ अरबी के अंदर, उर्दू में आज तक किसी ने उसका तर्जमा नहीं किया था। जब से मतलब के लिए सिस्टम चल रहा है ना हिंदुस्तान के अंदर, ना पाकिस्तान में, ना बांग्लादेश, कहीं भी उसका उर्दू तर्जमा नहीं, सबसे पहले अल्लाह ने उसे तौफीक दिया उसने उर्दू तर्जमा, और बड़ी बड़ी उर्दू किताबें। ये किस चीज का, कि उसके जुबान के ऊपर अल्लाह ने कुरान को जारी फरमाया, मुसलसल कुरान पढ़ता था। ये हुफाज के लिए मैं याद कर रहा हूँ कि मुसलसल कुरान पढ़ने से ये मिलता है कि अल्लाह के कुरान को तुम मुसलसल अपनी जबान पे ले आओ तो फिर क्या कामयाबियां मिलती है। अल्लाह का वादा कि वल्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह के जिक्र को कसरत के साथ करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ, दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन जिन अहबाब ने इस बच्चे के तालीम के अंदर जिस जिस अंदाज के अंदर भी तआवुन किया, अल्लाह उनके तमाम के तआवुन को कबूल फरमाए। और इस बच्चे के वालिदैन में से वालिद कि जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको करवट करवट जो है वो रहमतों से नवाजे, करोड़ों खरबों रहमतों से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको नवाजे, और उनके लिए ये बच्चे जो हैं, दोनों बच्चे जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए जरिए निजात बनाए, और ये जो उन कुरान के हाफिज बने हैं अल्लाह उन्हें सुकून नसीब फरमाए, और इन बच्चों को सिर्फ हाफिज नहीं अल्लाह इनको दोनों को आलिम बामल बनाए, और अपने पूरे खानदान इलाका और पूरे आलम के लिए इनको जो है वो दावत दीन का और दीन के तरवीज और तबलीग का अल्लाह रब्बुल इज्जत तहफीज का इनको जरिया बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जो कुरान के सिलसिले हैं इनको दराज से दराज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी औलादों को भी कुरान पाक पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान को पढ़ाने के बाद हवाले से जो बात थी वो मौलाना यूनुस साहब ने कर दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका यहाँ आना कबूल फरमाए, और ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं कि जिस कबूलियत की घड़ी में जो भी इंसान अपनी जायज़ दुआ मांगता है अल्लाह उसको कबूल करते हैं। और इन महफिलों में आने का और महफिल कराने का मकसद ये होता है ताकि सब इसमें शामिल हो जाए, और वो शामिल होकर
अपने लिए दुआएं मांगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस कुरान की दौलत से मालामाल फरमाए, हम सबकी औलादों दर औलादों को इसको हमारी औलादों के अंदर जारी उसारी फरमाए, ताकि ये सिलसिले हमारी औलादों में हम रहें या ना रहें ये हम सबके लिए सदका जारिया बन जाए, और तब तमाम की औलादों को अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक और साले बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।